फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन एक महत्वपूर्ण मूलक है और इसको हम लोग एसिड रेडिकल कहेंगे। एसिड रेडिकल अम्लीय मूलक, अम्लीय मूलक का एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है PO4-3-, यानी नाम है इसका फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन। तो फॉस्फेट आयन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक केमिस्ट्री में आज हम लोग इस बात को जानेंगे। केमिस्ट्री यदि आपको समझना है तो एकदम शुरुआत से शुरू करना होगा, स्टार्ट करना होगा। एकदम शुरुआत का चीज है कि फॉस्फेट आयन पर 3 इकाई ऋण आवेश होता है क्यों, या फॉस्फेट आयन की संयोजकता 3 होती है, या फिर फॉस्फेट आयन की ऑक्सीकरण संख्या -3 होती है। ये जानने से, इस एसिड रेडिकल के बारे में जानने से हम लोग फॉस्फेट से रिलेटेड कोई अणु सूत्र लिख सकते हैं। किसी रासायनिक यौगिक के नाम में फॉस्फेट लगा हुआ है तो हम लोग उसका अणु सूत्र आसानी से लिख लेंगे। ऐसे अभी तक आपको पता चल गया है कि एसिड रेडिकल कहते किसको है, तो वैसा मूलक जो ऋणावेशित हो उसे एसिड रेडिकल कहते हैं। फॉस्फेट आयन में सबसे पहले फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 15-2-8-5, ऑक्सीजन 8 है 2 और 6। इस तरह हम लोग फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद फॉस्फोरस बीच में रखकर चारों तरफ 4 ऑक्सीजन परमाणुओं को रख देते हैं। फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, अपना इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस का 5, 3 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है। अष्टक पूरा करने के लिए फॉस्फोरस को 3 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है, तो ये 3 सहसंयोजक बंधन बनाता है। ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखिएगा, अगर आप इस फॉस्फोरस का तो 8 पूरा हो गया, द ऑक्टेट ऑफ फॉस्फोरस एटम इज कंप्लीटेड बाय द शेयरिंग ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3 ऑक्सीजन एटम्स। इसके बाद इस ऑक्सीजन को देख रहे हैं तो इसके पास अपना है 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन उप सहसंयोजक बंधन से इसे मिल जा रहा है। उप सहसंयोजक बंधन तीसरे प्रकार का रासायनिक बंधन है, या इसे सहसंयोजक बंधन का ही एक स्पेशल केस कहा जाता है। तो फॉस्फोरस अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ अगर बढ़ा दे तो इस तरह उप सहसंयोजक बंधन बना, ये डोनर हुआ और ये एक्सेप्टर हुआ। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करते हैं उन्हें ग्राही कहा जाता है। तो ऑक्सीजन यहाँ एक्सेप्टर है, ग्राही है, और ये जो फॉस्फोरस है वो डोनर दाता है। इस ऑक्सीजन परमाणु का तो अष्टक पूरा हो गया, फॉस्फोरस का अष्टक पूरा हो गया, लेकिन अगर इस ऑक्सीजन को आप देखें तो इसका अपना इलेक्ट्रॉन है 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, फॉस्फोरस वाला मिलाकर 7 रह गया। इस ऑक्सीजन का देखिए तो 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6 और फॉस्फोरस वाला मिलाकर 7 रह गया। इस ऑक्सीजन का देखिए तो 2, 2, 4, 1, 5 इस फॉस्फोरस का मिला के 7 रह गया। तो PO4 में आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि 3 ऑक्सीजन परमाणुओं का अष्टक पूरा नहीं है, इन्हें एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इन तीनों ऑक्सीजन परमाणुओं को एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन किसी एसिड रेडिकल से, किसी बेसिक रेडिकल से प्राप्त करेंगे। बेसिक रेडिकल किसी धनायन, कोई धातु परमाणु होगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन इनको दे देगा, या हाइड्रोजन ही अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर इनको दे दे तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, और ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, इसलिए इनकी संयोजकता 1 होगी, ऑक्सीकरण संख्या इनकी संयोजकता 3 होगी, ऑक्सीकरण संख्या -3 होगी, या फिर कहते हैं हम लोग कि फॉस्फेट मूलक पर, फॉस्फेट रेडिकल पर, फॉस्फेट आयन पर 3 इकाई ऋणावेश होता है इस कारण से। अब बात रहा कि कोई एग्जाम्पल लिखकर देखते हैं हम लोग
कि फॉस्फेट पर कोई अणुसूत्र लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? अणुसूत्र लिखना पड़ जाए रिलेटेड टू फॉस्फेट आयन तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? एक क्वेश्चन जैसे अगर हम लोग दे दें, हड्डियों का प्रमुख कंपोनेंट है, हम लोगों के शरीर में जो हड्डी है उसका प्रमुख कंपोनेंट है कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, तो इसका फॉर्मूला लिखना हो तो आपको ध्यान पर रखना होगा कि कैल्शियम है 20, धातु के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन उसकी संयोजकता होते हैं, तो कैल्शियम की संयोजकता आप में से अधिकांश को पता भी होगा, इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता भी 2 हो जाएगी। तो कैल्शियम और फॉस्फेट के लिए PO4 लिख दिए, कैल्शियम की संयोजकता 2 फॉस्फेट के नीचे और फॉस्फेट की संयोजकता 3 कैल्शियम के नीचे, तो ये कैल्शियम फॉस्फेट का अणु सूत्र हो गया Ca3PO4 whole 2। इसके बाद इसमें अगर किसी तरह का कंफ्यूजन है अभी भी, आपको मान लीजिए अभी भी मान लीजिए कि इसमें कोई कंफ्यूजन है, एक दूसरा एग्जांपल बना के देखते हैं हम लोग। और सबसे आसान एग्जांपल कौन हो सकता है? फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है HPO4, PO4 की संयोजकता 3 हाइड्रोजन के नीचे, H3PO4, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, आर्हेनियस महोदय के अनुसार ये जलीय विलयन में 3 H+ आयन देगा और प्लस PO4 -3, तो हाइड्रो 3 H+ दिया, H+ को ही बोलते हैं प्रोटॉन। ब्रॉन्स्टेड लॉरी महोदय के अनुसार ये फॉस्फोरिक एसिड एक अम्ल है क्योंकि यह प्रोटॉन प्रदान करता है, जलीय विलयन में प्रोटॉन देता है, तो H+ को ही आप प्रोटॉन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें H+ में प्रोटॉन के अलावे कुछ नहीं है, H+ इज नथिंग बट प्रोटॉन, इसमें केवल प्रोटॉन है, इसलिए H+ को हाइड्रोजन आयन कहें या प्रोटॉन कहें बात एक ही है। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने इन्हें कहा प्रोटॉन, और उनका डिफिनेशन था प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड, प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड वाइल प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर बेस। तो ये आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार भी H+ आयन देगा जलीय विलयन में तो अम्ल हो जाएगा, ब्रॉन्स्टेड लॉरी सिद्धांत के अनुसार भी प्रोटॉन डोनर है तो ये अम्ल कहलाएगा। तो फॉस्फोरिक एसिड एक महत्वपूर्ण कंपाउंड है H3PO4, जिससे आपको स्पष्ट होता है कि PO4 की संयोजकता 3 है। फॉस्फेट आयन के बाद अब इस क्रम में कुछ और बचते हैं, कम थोड़ा कम महत्वपूर्ण ही सही, लेकिन उनमें से एक टंगस्टेट आयन है जिसे हम लोगों को ढंग से करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आपका ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉस्फेट का कंप्लीट हो गया होगा। आगे टंगस्टेट आयन के साथ हम लोग पुनः मिलेंगे, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।